कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पे ठीक हो। नैना स्टारवर्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं आ गई हूँ नैना आपके लिए रीडिंग लेकर, और आज हम देखेंगे कि आपके 48 आवर्स आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है। ठीक है, मैं आपकी थोड़ी फीलिंग भी देखूंगी और आपके पार्टनर की भी देखूंगी कि आपके पार्टनर डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और हम उनके एक हिसाब से करंट फीलिंग देखें। देखिए, मुझे किसी ने पूछा कि मेल रीडिंग देख सकते हैं। देखिए गाइस, सभी देख सकते हैं। ये आपने देखना कि आपके सामने वाले पार्टनर मेल है या फीमेल है, लेकिन रीडिंग सभी के लिए है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। लेकिन हाँ, मैं लड़की हूं तो मैं लड़की के हिसाब से बोलती हूँ, तो आपको लगता है कि शायद ये रीडिंग सिर्फ फीमेल के लिए, नहीं, ये मेल भी देख सकते हैं, फीमेल भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सब भी देख सकते हैं। कोई जहां पे जेंडर स्पेसिफिक होती है मैं वो भी बता देती हूँ, जहां पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती क्योंकि वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई साइन स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो अब वो आपने फाइंड करना है कि आपके सामने वाले पार्टनर, क्योंकि अगर आप लड़के हो तो आप उस अकॉर्डिंग रीडिंग को ले लो। ठीक है, कि आपकी जो पार्टनर है वो लड़की है, क्योंकि मैं लड़की हूं तो मैं लड़की के हिसाब से ही रीडिंग करूंगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर मैंने बता दिया और आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आने वाले 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखना चाहती हूँ। ठीक है एंजल, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी 48 आवर में। आने वाले 48 आवर्स में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग क्या रहने वाली। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है यहाँ पे, द डेविल, पहले ही डेविल निकल आया, सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड हम और लेंगे, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक जो हमारा आया वो आया है जजमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको कार्ड दिख ही रहे हैं। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं बीच में बंद हो जाती, मैंने बोला ना मुझे थोड़ी सी पता नहीं क्या बात है, कैमरे की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ना कभी कभी वीडियो बंद हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे साइंस की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे है टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस। ठीक है, ये साइंस ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं आपकी फीलिंग की बात करूं, देखिए आप ना आगे बढ़ तो रहे हो, ये नहीं कि आगे नहीं बढ़ रहे। अगर आपको, अगर आप मैरिड सॉरी अनमैरिड हो तो आपको शादी के प्रपोजल भी आ रहे हैं, आपको रिश्ते काफी आ रहे हैं, लेकिन आप ना उन चीजों की ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आप काफी कंफ्यूज हो अपने रिश्ते को लेकर, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं, मतलब आगे शादी करके आगे बढ़ जाऊं, मूव ऑन हो जाऊं, या अपने पार्टनर की वेट करूं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना वो आपको काफी ज्यादा कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं। यहां से मुझे दिख रहा है कि वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे, और एक चीज मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको ये आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मुझे नहीं पता आपको सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे दिखाई दे रहे वो यही है कि आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और काफी, और आपके पार्टनर को कभी कभी लगता है कि आपने उनको चीट किया। लेकिन अगर मैं हम आपकी वाइब्स देख रहे हैं तो आपका मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है, सॉरी आपको लगता है कि आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो इस बार आपने मन में पूरा सोच लिया है कि आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेशन करोगे कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, कि अगर मेरी लाइफ में आना है तो मुझे स्टेबिलिटी दो, वरना आने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने ना कुछ एक मन में धार लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनल हो, आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में सब कुछ है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है ना वो काफी टॉक्सिक हो चुका है, काफी ज्यादा, क्योंकि आप थक गए हो, काफी ज्यादा मुझे थके हुए लग रहे हो आप उसका। ठीक है, ये नहीं बोलूंगी कि आपके दिल में प्यार नहीं है, उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन आप अब सीधा सीधा उस बात पे आ गए हो कि अगर आपको इस रिश्ते में रहना है या अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे आपको क्लैरिटी चाहिए।
ये नहीं कि कभी आ जाओ कभी चले जाओ, कभी आ जाओ कभी चले जाओ। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आप काफी ज्यादा अपने पार्टनर की तरफ एक अडिक्शन फील करते हो, काफी आपको कभी कभी एक उनकी तरफ फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा आने लगती हैं। कभी तो आप उनको बिल्कुल भी याद नहीं करते, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो इंसान है आपकी लाइफ में या नहीं है, लेकिन एक ही पल में आप उनके लिए काफी ज्यादा फीलिंग आपके दिल में आने लगती है। मतलब आपका जो मूड है ना वो स्विच हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको मैरिज प्रपोजल भी काफी आ रहे हैं, काफी ज्यादा मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मुझे आपकी फीलिंग्स दिखाई दे रहे। और आप भगवान से काफी ज्यादा प्रे कर रहे हो अपने रिश्ते को लेकर। कई लोग तो ऐसे हैं कि काफी रिचुअल्स भी कर रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर को पाने के लिए, कोई मंदिर जा रहा है, कोई दरगाह जा रहा है, कोई रिचुअल्स कर रहा है, कोई सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ना कुछ मतलब भगवान के आगे प्रे कर रहा है। मतलब बहुत कुछ आप अपने पार्टनर को पाने के लिए काफी ज्यादा मुझे प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे वाइब्स आ रही है। ठीक है, तो 48 आवर्स में भी आपकी यही फीलिंग रहने वाली है कि भैया आना है तो क्लैरिटी दो, क्योंकि आप काफी ज्यादा थके हुए मुझे लग रहे हो इस रिश्ते में। आपको ये लगता है कि ये रिश्ते ने ना आपको सिर्फ और सिर्फ एक टॉक्सिसिटी दी है। अगर मैं बोलूँ ना कि आपको खुशियां दी है, उतनी खुशियां नहीं दी जितनी आपको टेंशन स्ट्रेस और कंफ्यूजन दी है, और आप आज भी इसी कंफ्यूजन में हो। ठीक है, ये मुझे, क्योंकि कंफ्यूजन दो तरह के नजर आ रही है। एक तो ये कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप मैरिज की वजह से प्रॉब्लम में आ रहे हो, घर वाले आपकी मैरिज का बोल रहे हो और आप कर नहीं पा रहे। ठीक है, दूसरा आपको कन्फ्यूजन ये है कि अगर आपने मैरिज प्रपोजल के लिए हाँ कर दी और आपके पार्टनर वापस आ जाए तो मतलब क्या करूंगी, जिसकी वजह से आप काफी ना मूड स्विंग से इन टाइम से गुजर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, ये आपकी फीलिंग थी। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 48 आवर्स में। ठीक है, देखिए चाहे आपके पार्टनर के साथ आप कॉन्टेक्ट में हो चाहे नहीं हो, आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, इंद्र प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया, वाओ, उनकी तरफ भी जजमेंट का कार्ड आया। एक मिनट, मैं कार्ड पहले अच्छे से शफल कर लूं। और सॉरी गाइस, कल रात मुझे लाइव बंद करना पड़ा, वो रीजन। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 48 आवर्स में। ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नहीं हो, आप रीडिंग देख सकते हो, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आया 10 ऑफ पेंटिकल और तीसरा आया 3 ऑफ सॉर्ड्स, दी लवर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह, आप भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज। क्वीन ऑफ कप्स, दी हैंगमैन, और दो कार्ड मैं और लूंगी आपके पार्टनर के लिए, डेथ, और नेक्स्ट कार्ड हमारा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक हमारा आया यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, तो चलिए आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ओके, तो साइंस में जहां पे बता देती हूँ आपको, साइंस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है टॉर्स, कैप्रिकॉन, जेमिनी, इक्वेरियस, सेजिटेरियस। ठीक है, ये मुझे साइंस कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो गाइज ये आपकी साइंस से आपके पार्टनर की हो सकती है, दोनों में से किसी की भी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले जो मुझे चीज दिखाई दे रही है ना वो ये दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट वाले ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट वाले बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ नो कॉन्टेक्ट किया हुआ है, रीजन क्या है वो तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रही है। ठीक है, कि नो कॉन्टेक्ट आपका चल रहा है। और आपके पार्टनर के अगर 48 आवर देखूं तो 48 आवर में आपके पार्टनर अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, अपनी फैमिली पे फोकस करने वाले हैं, अपनी फैमिली को कैसे स्टेबिलिटी देनी है ये सोचने वाले हैं। या देखिए, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दी लवर का कार्ड आया और बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो यहां से लग रहा है कि मतलब सबके लिए नहीं होगा, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, तो किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। तो वहां पे मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है 48 आवर्स में ये सोचने वाले हैं कि अपनी फैमिली के लिए
कैसे उनको ग्रो किया जाए, कैसे उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दी जाए, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर घर के बड़े हैं या उनकी सारी जिम्मेवारियां उन पे है, या हो सकता है उनके भाई बहन है जिनकी वो मैरिज करनी है, ठीक है, जो भी सिनेरियो है। लेकिन आपके पार्टनर का एक तो मुझे फोकस्ड फर्स्ट जो मुझे दिख रहा है अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना काफी ज्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी, उनको शक हो रहा है कि आप आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है, और आपको ये शक हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है तो आप दोनों को एक दूसरे पे काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि आप शक कर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, जिनकी वजह से आप दोनों ही हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजरते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और 48 आवर्स में एक चीज मुझे और दिखा रही है, आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक होने वाला है। अब वो किस वजह से होने वाला है ये तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ 48 आवर में आपके पार्टनर का किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई इंसान या कोई चीज आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक करने वाली है, ठीक है, जिनकी वजह से आपके पार्टनर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हैं और काफी ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके पार्टनर इस चीज का उनको रिग्रेट भी हो रहा है आपके पार्टनर को कि ऐसा मैंने, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या उनको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि मैंने जो उनके साथ किया वही मेरे साथ हो रहा है 48 आवर्स में। क्योंकि आप 48 आवर्स में आपके पार्टनर जब उनका हार्ट ब्रेक होगा ना तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे और वो आप दोनों के रिश्ते को काफी ज्यादा डीपली सोचेंगे। उसके बाद आपके पार्टनर को आपकी तरफ काफी ज्यादा मुझे अट्रैक्शन भी दिख रहा है और काफी आपके रिश्ते को लेकर डीप एनालाइज करते हुए देख रहे हैं कि मतलब मुझे इस रिश्ते में, मैंने इस रिश्ते को क्यों छोड़ा या छोड़ने की वजह क्या थी या कहां पे मैं गलत था कहां पे वो गलत थी, ठीक है, क्योंकि जहां से हार्ट ब्रेक होगा वहां पे आगे जाके आपके पार्टनर को आपके कंधे की जरूरत पड़ रही है। 48 आवर में उनको एक ऐसा कंधा चाहिए जिन पे ऊपर सर रख के वो रो सके, या अपना रो ना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सच्ची मुच्ची रोएंगे, मतलब अपना दुखड़ा सुना सके, क्योंकि आपके पार्टनर हार्ट ब्रेक की वजह से आपकी वैल्यू समझने वाले हैं। ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनको आपकी वैल्यू समझ में आने वाली है इन दिनों में। अब या तो फैमिली की वजह से हार्ट ब्रेक होगा या उनको कोई फाइनेंशियली लॉस होगा। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी उनका बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक करने वाली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपकी नीड होने वाली है इमोशनली भी और उनको आपके कंधे की, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी आपके पार्टनर को, क्योंकि वो आपको काफी मिस कर रहे हैं और मिस करने वाले हैं, क्योंकि अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत बढ़ने वाला। हो सकता है आपके पार्टनर का सडनली कम्युनिकेशन भी आपके पास आए, ठीक है, उनका कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है, अगर ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ये भी मुझे वाइब्स आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी एक जो आपने उनको केयर दी है ना उनको बहुत मिस करेंगे, लेकिन तब जब उनका हार्ट ब्रेक होगा उनको एहसास होगा कि आज मुझे उस बंदी की, बंदा या बंदी की जरूरत है जिनको मैंने अपनी लाइफ से निकाला है या जिसको मैंने छोड़ दिया। और यहां पे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। 48 आवर्स में काफी ज्यादा आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल होके सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और इस रिश्ते का रीबर्थ करना चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि साथ ही एस ऑफ वांड्स के साथ ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं वक्त को चेंज करने का कि कैसे ना कैसे वक्त को चेंज करूं या कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि ये जो बुरा वक्त है ये निकल जाए और अच्छे वक्तों को लाने का ट्राई करूं, ठीक है। और आपके पार्टनर कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं, जो ओवरथिंकिंग उनके दिल दिमाग में चल रही है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, क्योंकि मैंने बोला ना उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आपको लगता है उनकी, हो सकता है आप पूरे श्योर हो कि उनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है ओवरथिंकिंग इतनी ज्यादा करते हैं कि अपने मन में ही एक थॉट बना लिया कि आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है, जिनकी वजह से आपके पार्टनर काफी ज्यादा मुझे ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी एक और चीज मुझे दिखाई दे रही, आपके पार्टनर ना काफी नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं आपके लिए या अपने रिश्ते के लिए, नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में ज्यादा आते हैं और पॉजिटिव चीजें बहुत कम आती है। आपके रिश्ते को लेकर अगर आपके ऊपर मैं देखूं कि जो आप पे एक बिलीव होना चाहिए वो कभी कभी डगमगाता मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा 48 आवर्स में भी काफी ज्यादा उनका, देखिए आपकी तरफ फेथ भी होगा
उनको आपकी तरफ आना भी है, उनको आपसे प्यार भी चाहिए, उनको आपका कंधा भी चाहिए, लेकिन सबको चाहने के बावजूद भी, कंफ्यूजन से निकलने के बावजूद भी ओवरथिंकिंग करेंगे, फिर भी वो सच्चाई में थोड़ी सी बुराई ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। 48 आवर भी यही ओवरथिंकिंग रहने वाली है आपके पार्टनर की, ठीक है। वो हैंगमैन की पोजीशन से ना निकलना चाहते हैं, काफी ज्यादा लटके देख लिया उन्होंने हर चीज में, लेकिन वहां पे इनको कुछ नहीं मिला, सुख नहीं मिला, ठीक है ना। चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अनमैरिड है, चाहे वो फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखिए फैमिली के लिए भी कर रहे हैं ना अगर वो, तो फैमिली भी उनसे अभी भी खुश नहीं है। आपके पार्टनर ने ये भी सोच के देख लिया कि मैंने फैमिली के लिए इतना कुछ किया, फैमिली के लिए क्या क्या नहीं मैं कर रहा, फिर भी उनकी फैमिली उनके तरफ सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है ना। थक गया इंसान ये, मतलब लोगों के लिए कर करके, फैमिली के लिए करके, लोगों के लिए करके, लेकिन अब इनको ये लगता है कि मुझे जो भी करना है मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपनी फ्यूचर के लिए करना है या मुझे अपनी लव लाइफ के लिए करना है। ऐसी ओवरथिंकिंग आपके पार्टनर की चढ़ने वाली है। चलिए उनकी करंट फीलिंग देखते हैं, 48 आवर में उनकी करंट फीलिंग क्या होगी। मैरिज, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आपके पार्टनर मैरिड है तब भी उनको ये लगता है कि मुझे फैमिली के लिए जितना करना था कर लिया, अब मुझसे और नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कर करके थक चुके हैं। और अगर वो मैरिड नहीं है तो दूसरा उनका ये होगा कि मतलब मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है आपके साथ, ठीक है। उनके दिमाग में शादी का थॉट आने वाला है 48 आवर्स में। देखिए डेविल की एनर्जी, डेविल की एनर्जी भी दो चीजें बता रही है। फर्स्ट चीज मुझे ये बता रही है डेविल की एनर्जी कि आपके पार्टनर इन चीजों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उनका जो माइंड है वो डेविल हो चुका है हमेशा, वो सारी चीजों को लेकर, मैंने बोला ना ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, क्योंकि उनको ना उनका दिमाग इन हालातों ने ऐसा बना दिया कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और उनके दिमाग पे बहुत डेविल माइंड हावी हो जाता है। और दूसरा मुझे ये लग रहा कि आपके पार्टनर इन दिनों, मैंने बोला ना 48 आवर में आपकी तरफ बहुत ज्यादा झुकाव महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एंजल और बताइए क्या फीलिंग रहने वाली है 48 आवर में। आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, उनको इंजॉयमेंट चाहिए, उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको आपको ढेर सारी बातें बतानी है। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आपका कंधा होना चाहिए और बस सर रख के वो चुपचाप शांत। मैं एक बात बोलूं, आपके पार्टनर मुझे आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ये नहीं बोलूंगी कि फिजिकली होने की वजह से कि फिजिकल होना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इमोशनली आपसे जुड़ना चाहते हैं। जिसे बोलते हैं ना कि एक इंसान ऐसे की जरूरत है जिनकी गोद में सर रख के बस सुकून चाहिए उनको, क्योंकि वो इन चीजों में कर करके बहुत ज्यादा थक चुके। और 48 आवर में भी आपके पार्टनर की फीलिंग यही रहने वाली है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो सुकून चाहते हैं आपके पास आकर, उनको कुछ और नहीं चाहिए। देखिए मैंने जो पहले मैंने बोला है वही चीज मुझे यहां पे निकली है। मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपके, क्योंकि हार्ट ब्रेक करने वाला कोई ऐसी फीमेल मुझे एनर्जी लग रही है जो आपके पार्टनर को काफी ज्यादा कंट्रोल करती थी, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती थी, या उनको यूज करती थी, या उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता था। तो अब आपके पार्टनर ने वहां से निकलने का सोच लिया है और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक होने वाला है, या वो कुछ ऐसा करने वाली है, या आपके पार्टनर उनकी कोई बात नहीं मानने वाले, जिनकी वजह से वो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से अगर है तो वो जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी निकल जाएगी अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में है 48 आवर में, तो क्योंकि आपके पार्टनर उनकी रूलिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा थक चुके हैं, चाहे फिर वो उनकी घर की फैमिली के। देखिए अगर आपके पार्टनर मैरिड है तब भी थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है तो काफी ज्यादा वो, मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर करके थक चुके हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कोई उनकी वैल्यू नहीं कर रहा। तो अब उनको आपकी वैल्यू की समझ आ रही है कि आप उनके लिए क्या करते थे और घर वाले उनके लिए। और आपके पार्टनर हो सकता है घर वालों से फाइट भी करे, क्योंकि उनकी कोई फाइट भी होती हुई मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर की, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी रीजन से हो सकता है आपको कोई गलत बोले, या थर्ड पार्टी और आप दोनों पार्टनर के बीच में कोई ना कोई झगड़ा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 48 आवर में। कुछ ना कुछ तो उन दोनों में कन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, कोई लड़ाई झगड़े होने वाले, या तो फैमिली के साथ या कोई थर्ड पार्टी है उनके साथ, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे इस थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एंजल प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के, यस
यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। देखिए मुझे अगर आपके पार्टनर मैरिड है ना तो वहां पे मुझे लग रहा है क्योंकि कोर्ट केस का कोई चक्कर चलेगा तभी ये कार्ड निकला है, क्योंकि लड़ाई झगड़े होंगे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस इसीलिए आया है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो वो इस मैरिज से निकलना चाहते हैं। हो सकता है उनके कोई कोर्ट केस चलने वाला है या थर्ड पार्टी कोई कोर्ट केस करने वाली है, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं। और तीनों कार्ड का एकदम से आना ये इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर अगर मैरिड है तो वो इस मैरिज लाइफ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत कर चुके हैं, अब उनको ये है कि मुझे अपनी लाइफ जीनी है। और देखते हैं क्या वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। यस, आपको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। लेकिन तब करेंगे जब आपके पार्टनर को ये लगेगा। और ये देखिए एक मिनट, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया दी स्टार। आपके पार्टनर काफी ज्यादा इमोशनली आपको फील कर रहे हैं, इमोशनली आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस टाइम राइट नाउ अगर मैं देखूं 48 आवर में आपकी बहुत याद आने वाली है और आपको बहुत मिस करने वाली है, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग का आउटकम निकालते हैं क्या है। एंजल प्लीज प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स की रीडिंग का आउटकम क्या है। ओके वेट, देखिए आपके पार्टनर अगर अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, चाहे वो वर्क की वजह से चाहे थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। एक मिनट मुझे क्लैरिफाई करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। यस, देखिए मैंने बोला ना कि देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए अगर आपके पार्टनर अपने वर्क की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से या किसी भी चीज की वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं। उनके मन में आपके साथ रहने का, आपको कमिटमेंट देने का, वो हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज भी दे। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं, एकदम से आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहां से क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इग्नोर करेंगे और आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आउटकम ये है आपकी रीडिंग का, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए मुझे लगता है आप अपने पार्टनर को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो। तो एंजल्स आपको ये बोल रही है कि आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में डे टू डे आगे बढ़िए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को चेज कर रहे हो तो अपने पार्टनर को चेज करना आपको बंद करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप अपने पार्टनर को चेज करना बंद करोगे आपके पार्टनर आपके पास बहुत जल्दी वापिस आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस थी। तो अभी मैं आपके लिए एंजल्स के कार्ड निकाल देती हूँ कि एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं। डोंट स्टॉप, देखिए यहाँ पे एंजल्स ने बोला है कि आप आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। आपको किसी चीज को स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने आप को, अपनी फीलिंग को भी स्टॉप लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अपना सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। आपको ज्यादा इफ यू बिलीव, अगर आपको अपनी प्यार पे, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव है कि आपके पार्टनर आपके पास जरूर आएंगे, तो देखिए वो 100% आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको स्टॉक नहीं करना, किसी के चेज नहीं करना, किसी के पीछे नहीं भागना। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में राइट एक्शन लीजिए राइट टाइम पे, और रुकना नहीं है आपको बिल्कुल भी। यहाँ पे तभी बोला गया कि डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप आगे बढ़ते जाना है अपनी लाइफ में। तो गाइज ये थी 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स, मैंने आपको बता दिया जो उनकी डे टू डे लाइफ में चल रहा है या उनकी जो करंट फीलिंग में हो रहा है, मैंने आपको सब बता दिया। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।